हर 4 मिनट में एक सुसाइड होता है। अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत ने, जैसा कि बताया गया था कि उन्होंने सुसाइड किया है और वो काफी यंग थे और धीरे धीरे सक्सेसफुल भी हो रहे थे, फिर भी उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये क्वेश्चन आज भी सभी के दिमाग में आता है, लेकिन सिर्फ बॉलीवुड, हॉलीवुड ही नहीं बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी अब ऐसा ही होने लगा है। जैसे कि हाल ही में आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया था। कहा जाता है कि आकांक्षा दुबे सक्सेसफुल हो रही थी, उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री के हर कलाकार के साथ काम किया था, जितने भी फेमस कलाकार हैं सबके साथ उन्होंने काम किया था, और उनकी उम्र 25 साल की थी। इतनी कम उम्र में भी उन्होंने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन उन्होंने 26 मार्च 2023 को एक होटल में सुसाइड कर लिया। अभी तक की रिपोर्ट्स में यही बताया गया है। तो आइए मैं आपको आज सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ कि आकांक्षा दुबे के साथ आखिर उस दिन हुआ क्या था, और वो रात, वो 8 घंटे आकांक्षा कहाँ रही, किन हालातों में रही, उनके साथ कौन कौन था। नमस्कार, मैं हूँ समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। हम शुरुआत करते हैं 22 मार्च से, जब आकांक्षा दुबे वाराणसी आई थी। मैं आपको बता दूं कि आकांक्षा दुबे किसी फिल्म की शूटिंग के लिए आई थी 22 मार्च को, और उन्होंने वाराणसी के होटल, एक होटल में चेक इन किया था। उस होटल का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, उस होटल का नाम है सुमेंद्र रेजिडेंसी। सुमेंद्र रेजिडेंसी में आकांक्षा दुबे ने चेक इन किया था 22 मार्च को, और बताया जाता है कि वो वहां पर एक फिल्म की शूटिंग के लिए आई थी। इसके पहले भी आकांक्षा दुबे काफी पॉपुलर थी, उनकी पॉपुलरिटी जैसे कि उनके सॉन्ग, उनके एल्बम रिलीज हुआ करते थे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पर भी वो काफी पॉपुलर थी, और ऐसे पहली बार नहीं था कि वो वाराणसी आई थी। कहा जाता है कि वो जिनके साथ रिलेशनशिप में थी, समर सिंह, उनके उसके साथ भी वो लिव इन रिलेशनशिप में वाराणसी में रह चुकी थी, तो फर्स्ट टाइम नहीं था उनका आना। इसके पहले भी वो वाराणसी आ चुकी थी, लेकिन इस बार वो एक होटल में रुकी थी। 22 मार्च को उन्होंने होटल सुमेंद्र रेजिडेंसी में चेक इन किया था। सबको सही चलता है, आकांक्षा डेली शूट पे जाती हैं, वहां से वापस आती हैं, उनके नॉर्मल डेज की तरह ही सब कुछ चल रहा होता है। अभी तक जितनी जानकारी आई है मैं उसी के बेसिस पे आपको बता रही हूँ। तो सारा सब कुछ नॉर्मल चलता है, वो शूट पे जाती हैं, शूट से आती हैं। फिर आता है 25 मार्च का दिन। 25 मार्च को वो रात के करीब 10 बजे एक पार्टी के लिए निकलती हैं। अब ये कोई नॉर्मल पार्टीज जैसे कि हम जाते हैं एंजॉय करने के लिए, वो भी उसी तरीके की पार्टी में जाती हैं, लेकिन उसका नाम था ब्रेकअप पार्टी। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि वो समर सिंह के साथ रिलेशनशिप में थी, कुछ टाइम तक लिविंग रिलेशनशिप में रह चुकी थी वो उनके, समर सिंह के साथ वाराणसी में। तो अब कैसी खबरें आ रही थी कि समर सिंह से उनका ब्रेकअप हो चुका था, तो यही ब्रेकअप पार्टी के लिए वो अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में गई थी, जो उनके होटल से लगभग बताया जा रहा है कि 10 किलोमीटर दूर था। अच्छा, समर सिंह भी एक भोजपुरी स्टार हैं, और वो प्रोड्यूसर हैं, सिंगर हैं, और उनकी भी काफ़ी पॉपुलरिटी है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, काफ़ी नामी इंसान है वो भी, उनको भी काफ़ी लोग जानते हैं, और उनका नाम जब आकांक्षा दुबे के साथ जुड़ा तो लोग उनकी जोड़ी को भी काफ़ी पसंद करते थे। तो अगर हम वापस आ जाएं 25 मार्च को, तो आकांक्षा दुबे 10 बजे रात में निकलती हैं, अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाती हैं, और इसके कई CCTV फुटेज भी सामने आए हैं, तो उनमें क्या क्या बताया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आकांक्षा दुबे जाती हैं उस ब्रेकअप पार्टी में, उनके दोस्त होते हैं, और करीब रात में वो बताया जा रहा है कि 1:30 बजे के करीब वो वापस आती हैं, और उनके साथ उनका एक दोस्त होता है जिसका नाम है संदीप सिंह। वो उनको घर तक, माफ़ कीजिएगा, वो उनको होटल तक ड्रॉप करने के लिए आता है। और आकांक्षा, जो CCTV फुटेज जितने भी मीडिया से शेयर किए गए हैं उनमें ये दिखाया गया है कि जब आकांक्षा होटल में एंटर कर रही होती हैं तो संदीप गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है, आकांक्षा का बैग निकालता है, और आकांक्षा को होटल में अंदर उनके रूम तक छोड़ने आता है। अच्छा, जो CCTV फुटेज सामने आया है उसमें दिखाया जा रहा है कि आकांक्षा दुबे कैसे लड़खड़ाते हुए चल रही है। तो CCTV फुटेज देख के ये लगता है कि उन्होंने शायद शराब पी रखी है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान जैसे चलता है वो उस तरीके से नहीं चल रही थी, काफ़ी लड़खड़ा रही होती हैं। तो उनको जो संदीप, उनका दोस्त, उनको उनका बैग निकालता है गाड़ी से, उनको होटल तक छोड़ता है, बाकायदा ना सिर्फ होटल तक, कमरे तक उनको पहुंचा के आता है, और जिस होटल में, सुमेंद्र रेजिडेंसी में वो ठहरी हुई थी, उसके फर्स्ट फ्लोर के कमरा नंबर 105 पर वो ठहरी हुई थी। CCTV जो है वो होटल के बाहर भी लगा होता है।
जो कमरा नंबर 105 है, सीसीटीवी वहां पर भी साइड में लगा होता है। तो सीसीटीवी फुटेज जैसे कि मैंने आपको बताया जो मीडिया में रिलीज किया गया है, तो उसमें दिखता है कि संदीप आकांक्षा को लेकर आता है रूम में, दोनों लोग जाते हैं और करीब आते आते सब कुछ होते होते 1:50 का लगभग टाइम हो जाता है, रात का 1:50 हो जाता है। तो जैसे सीसीटीवी जब आया तो उसमें जब हम कोई दरवाजा देखते हैं तो वहां पर थोड़ी सी सांख होती है, जिससे हमें दिखता रहता है कि रोशनी आ रही है या फिर कमरे में अंधेरा है, तो इतना अंदाजा लग जाता है। तो सीसीटीवी फुटेज में भी यही दिखाया गया कि आकांक्षा और संदीप जब रूम में जाते हैं तो लाइट जल रही होती है और उसके करीब 17 मिनट बाद लाइट बंद हो जा 17 मिनट के लिए लाइट बंद हो जाती है। संदीप और आकांक्षा गए रूम में, 17 मिनट के लिए रूम की लाइट बंद हुई, उसके बाद लाइट चली, संदीप ने रूम बंद किया और संदीप रूम से निकल गया। अब संदीप एक लौता ऐसा शख्स था जिसने आखिरी बार आकांक्षा को जिंदा देखा था। पुलिस सबसे पहले संदीप को ही पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है और उसको छोड़ देती है। अब ये सवाल कईयों के मन में आता है कि इतनी आसानी से आखिर संदीप को पुलिस ने क्यों छोड़ दिया? हो सकता है कि संदीप ने ही आकांक्षा का कत्ल किया हो, उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया हो, क्योंकि 17 मिनट के लिए जो लाइट बंद हुई उस ड्यूरेशन में अंदर क्या हुआ वो किसी को नहीं पता, क्योंकि रूम के अंदर तो कोई सीसीटीवी होता नहीं है। संदीप 17 मिनट के बाद निकलता है, तो अब यहाँ पर पुलिस के शक की सुई घूमती है और संदीप को वो पूछताछ के लिए ले जाती है लेकिन उसके बाद छोड़ देती है, जिसके बाद लोगों में कई सवाल उठते हैं कि आखिर संदीप को पुलिस ने क्यों छोड़ दिया? संदीप गुनहगार हो सकता है और इसके चांसेस 99% होते हैं। पुलिस संदीप को इस बेसिस पे छोड़ देती है कि आकांक्षा ने उसी रात, जैसे मैंने आपको बताया कि 1:50 पर वो लोग रूम में एंटर किए थे और 17 मिनट तक लाइट बंद रही, तो अगर करीब करीब हम मान लें सब कुछ मिलाकर और संदीप का जो रूम से निकलने का टाइम था वो 2:12-13 था, तो संदीप निकल जाता है और 2:25 पर कहा जाता है कि आकांक्षा ने लाइव किया था, वो इंस्टाग्राम पर लाइव आई थी जिसमें 900 लोगों ने उसको ज्वाइन किया था, उसके इंस्टाग्राम पर 900 लोग जुड़े हुए थे। तो ये चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि जब संदीप रूम से निकलता है तो उसके बाद आकांक्षा ठीक ठाक हालत में होती है, वो जिंदा होती है क्योंकि 2:25 पर वो लाइव करती है। तो इसी बेसिस पर पुलिस संदीप को छोड़ देती है कि संदीप ने कोई भी गुनाह नहीं किया है और ना ही उसने आकांक्षा को कुछ चोट पहुंचाई है। तो आकांक्षा जैसे कि मैंने आपको बताया वो 2:25 पर इंस्टा पर लाइव आती है, उसके साथ 900 लोग जुड़ जाते हैं, उसको देखते हैं और उस लाइव में काफ़ी चीज़ें दिखती हैं कि आकांक्षा काफ़ी उदास होती है। वो कुछ लाइव में आती तो है वो लाइव, लेकिन उसके लाइव बाकी दिनों की तरह नॉर्मल नहीं होते हैं, वो काफ़ी उदास होती है, उसकी आंखें नम होती हैं, ऐसा लगता है कि वो रो रही है या रोने वाली है, वो कुछ नहीं बोलती है। ये लाइव चलता है करीब 2:40-2:50 तक और उसके बाद वो लाइव एंड कर देती है। अगले दिन खबर आती है कि आकांक्षा ने सुसाइड कर लिया है 26 मार्च को। अब सुसाइड कर लिया है ये कैसे पता चला? सुबह उसको 10 बजे जाना होता है जहां पर शूटिंग कर रही होती है उस लोकेशन पर, तो उसके जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं, जो मेकअप मैन है, वो उसको होटल में लेने आते हैं और पहले से ही उसका मेकअप वगैरह उसी रूम में हो जाता है और वहीं से उसको लोकेशन पर लेके जाते हैं। तो बाकी दिनों की तरह उस दिन भी 26 मार्च के दिन भी आकांक्षा का कैमरामैन, माफ़ कीजिएगा, आकांक्षा का मेकअप मैन आता है और वो आकांक्षा को कॉल करता है, एक कॉल दो कॉल, तो उसको लगता है शायद आकांक्षा सो रही हो, तो वो थोड़ा वेट करता है। उसके बाद फिर से मेकअप मैन कॉल करता है, फिर होटल का जो फ़ोन अंदर रखा होता है उस पर कॉल करता है, फिर भी फ़ोन नहीं उठता है। वो बेल बजाता है रूम की, दरवाज़ा खटखटाता है, तो उसको थोड़ा सा डर लगता है, कुछ अनयूजुअल लगता है कि इतने टाइम में तो दरवाज़ा खुल जाना चाहिए, अगर कोई सो रहा है तो भी उसकी नींद थोड़ी बहुत तो खुलेगी जब दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है या कोई फ़ोन कर रहा है। तो वो तुरंत आनन फानन में जाता है, होटल स्टाफ को बुलाता है और कहता है कि आपके पास मास्टर की होगी तो आप चलिए ऊपर हमारे साथ, दरवाज़ा खोलिए। ये सारी चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में हैं जो मीडिया में रिलीज़ किया गया है, तो ये सारा सीसीटीवी फुटेज है। और अब नीचे से होटल स्टाफ आता है, होटल स्टाफ के साथ 5 से 6 लोग होते हैं जिसमें एक लड़की होती है और बाकी सारे होटल स्टाफ वाले ही होते हैं और एक मेकअप मैन होता है। तो जैसे कि
आते हैं वो मास्टर की लेके, दरवाजे को खोला जाता है। दरवाजा खोलने में भी 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है क्योंकि कई सारी चाबियां मिलाई जा रही होती हैं, चाबियां मिलती नहीं है जल्दी। तो वो एक के बाद एक के बाद एक चाबी ट्राई करते हैं और बहुत मुश्किल से मास्टर की मिलती है और दरवाजा खुलता है। अब हल्का सा दरवाजा जो है खोल दिया जाता है, लेकिन अंदर सबसे पहले एक लड़की को भेजा जाता है क्योंकि ऐसा कहा गया कि अंदर जो होटल में एक लड़की आकांक्षा दुबे रूम में एक लड़की है, पता नहीं वो किस हालत में हो, किस स्थिति में हो, तो इसके लिए पहले एक लड़की जाए ताकि उसकी इमेज का भी सवाल है आकांक्षा दुबे की। तो किसी लड़के को नहीं, पहले एक लड़की को ही अंदर देखने के लिए भेजा जाता है सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। जैसे ही वो लड़की उस होटल के कमरे में, कमरा नंबर 105 में एंटर करती है, वो एकदम से चीख चीख देती है। तो हर जो भी बाहर खड़ा होता है उसको ये अंदाज तो लग गया होता है कि कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ ज़रूर है। जैसे पूरा दरवाज़ा खोला जाता है और जैसे कि जब जिस पोजीशन में उसने इंस्टा लाइव किया होता है, जो कपड़े पहनकर इंस्टा लाइव किया होता है, बताते हैं कि आकांक्षा उसी पोजीशन में बेड पर बैठी होती है। अब इस पर भी मैं एक अलग से आपको वीडियो बना के बताऊंगी कि कोई बैठ के सुसाइड कैसे कर सकता है। हालांकि बैठ के सुसाइड करना पॉसिबल है और कई लोगों ने बैठ कर सुसाइड किया भी है। तो आकांक्षा दुबे उसी पोजीशन में बैठी होती है, उसका एक पैर ऊपर होता है, एक हाथ ऊपर होता है और गले में फंदा होता है जो पंखे से बंधा होता है। अब पुलिस को कॉल किया जाता है, होटल मैनेजमेंट पुलिस को तुरंत कॉल करता है, पुलिस आती है और वहीं से सारी कार्रवाई शुरू हो जाती है। अभी हाल ही में आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, जिसमें उसके पेट में अल्कोहल निकला और कुछ पदार्थ निकला ब्राउन कलर का। हालांकि वो पदार्थ क्या है वो विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा, जिसमें अभी 15 से 20 दिन का समय बताया जा रहा है लगेगा। समर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गुड़गांव की एक सोसाइटी से समर सिंह को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि आकांक्षा दुबे के जो परिवार वाले थे वो सीधा सीधा समर सिंह पर हत्या का आरोप लगा रहे थे। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया था कि आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया है और उसके गले में जैसे फंदा मिला। अब रिपोर्ट आई है, धीरे धीरे जांच हो रही है कि आखिर मामला क्या है। उसके हाथों पर भी बताया गया कुछ चोट के निशान थे, वो अभी क्लियर नहीं किया गया कैसे चोट के निशान थे, क्या चीज़ थी, लेकिन पुलिस ने समर सिंह को पकड़ लिया है। और आकांक्षा की मम्मी ने कई आरोप लगाए हैं समर सिंह पर। आकांक्षा की मम्मी का कहना है कि समर सिंह आकांक्षा को परेशान करता था, वो कहता था कि अब तुम कहीं और काम नहीं करो, तुम मेरे साथ ही काम करो। आकांक्षा का वो पैसे भी आकांक्षा के मार देता था, उसको पैसे भी नहीं देता था, तो काफ़ी दोनों के बीच खिटपिट चल रही थी, जिसके चलते आकांक्षा ने समर से दूरी बना के रखी थी और ब्रेकअप करने का उसने सोच लिया था और ब्रेकअप कर भी लिया था जिसकी ही पार्टी में वो 25 मार्च को गई थी। लेकिन अब पूरा शक समर सिंह पर है क्योंकि जब आकांक्षा दुबे की सुसाइड की खबर आई तब समर सिंह भाग गया। अब पुलिस की जांच चल रही है, विस्तृत रिपोर्ट आएगी 15 से 20 दिनों में, तब पता चलेगा कि आखिर वो भूरे रंग का पदार्थ क्या था। साथ ही आकांक्षा दुबे के रूम में एक शराब की बोतल भी मिली थी। तो ये सारी चीज़ों को, सारे सबूतों को पुलिस इकट्ठा कर रही है और सारे सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास है, होटल के भी हैं, जिस बार में वो लोग गए थे उसके भी हैं, और क्या हुआ क्या नहीं, 22 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच क्या हुआ, सब सिलसिलेवार तरीके से पुलिस जांच करेगी और क्या क्या होगा आगे हम आपको फिर से बताएंगे। तो आपको आकांक्षा दुबे की ये कहानी कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया है या फिर उसका मर्डर किया गया है? हम ऐसी और भी कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तब तक आप हमारे साथ सत्योदय मीडिया पर बने रहेंगे।